1.2 ऑफ क्लास 6। इसका पहला प्रश्न है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब बच्चों होता है कि जैसे यहां हमें तीन नंबर दिए गए हैं, 837, 208 और 363। इनको हम कुछ भी आगे पीछे, क्योंकि ये तीनों ही प्लस हो रहे हैं, इसलिए हम किसी भी नंबर, किसी भी दो नंबर्स को पहले प्लस कर सकते हैं और थर्ड नंबर को बाद में प्लस कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें रीअरेंज करेंगे। अब रीअरेंज कैसे करना है, उसके लिए हमें यह देखना होता है कि किसके यूनिट प्लेस को प्लस करके हमारे पास जीरो आ रहा है। जैसे आप यहां देखेंगे तो ये सात और ये आठ, इनको प्लस करेंगे, आठ और सात होता है पंद्रह, ये आठ और ये तीन, आठ और तीन होता है ग्यारह। सिर्फ यूनिट प्लेस की बात हो रही है, लेकिन अगर आप देखें कि ये जो यूनिट प्लेस है सेवन और ये जो यूनिट प्लेस है थ्री, यदि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, सात और तीन दस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दस। इसका मतलब ये है हमें इनको इस प्रकार से अरेंज करना है कि ये 837 जो है इसके साथ हमें 208 को बाद में प्लस करेंगे, पहले ये 363 को पहले प्लस कर लेंगे। इनको ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट में रखने का मतलब इनको पहले सॉल्व करेंगे, और ये जो 208 था इसके साथ भी प्लस का निशान है, इसको हम पीछे ले गए। तो यही रीअरेंजमेंट, इसी को कहते हैं कि हम एक नंबर को पहले ले आए, इसको पीछे ले गए। क्यों, आगे देखिए, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे या उससे शायद अगले प्लेसेस पे भी जीरो आ रहा है। देखिए कैसे, सात में तीन प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दस, हासिल आया एक। तीन में एक प्लस किया तो आ गया चार, चार में छह प्लस किया तो हासिल आ गया चार और छह हो गया दस, हासिल आ गया एक। यह आठ, आठ में तीन प्लस किया ग्यारह और एक हासिल था, तो ये हो गया 1200। ठीक है, इसको और इसको प्लस करके आ गया 1200। देखो, रीअरेंजमेंट इसीलिए किया था ताकि इन दोनों को प्लस करके ये हमारे पास दो जीरोस आ गए या एक जीरो आ जाता, इसीलिए इनको रीअरेंज किया था। अब ये हमारे पास है 208, तो इनको अब हमें प्लस करना है। तो देखिए, जीरो में एट प्लस करेंगे एट, जीरो में जीरो प्लस करेंगे जीरो, टू में टू प्लस करेंगे फोर, और ये वन में, यहां हंड्रेड थाउजेंड प्लेस है नहीं, वन में कुछ भी प्लस नहीं किया तो आ गया थाउजेंड। तो देखा आपने, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने से, थोड़ा सा नंबर्स को पहले या बाद में लिखने से हमारा जो काम है वो थोड़ा इजी हो गया, इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं। आइए इसका एक और भाग देखते हैं। इसका जो बी भाग है वो है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब यहां पे चार नंबर हैं, तो चार नंबर हैं तो हमने घबराना नहीं है, हमने देखना है कि किनको प्लस करके, किनके यूनिट प्लेस को प्लस करके जीरो आता है। देखो, यह है दो। अब हमें पता है दो में क्या प्लस करने से दस जीरो आ जाएगा, आठ। दो में आठ प्लस करने से दस बनेगा, है ना। तो ये दो नंबर है, इसके पीछे दो है, इसके पीछे आठ है, इन दोनों को प्लस करने से जीरो आ सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अलग पहले लिख लेता हूं, 1962 प्लस ये 1538, इसको अलग लिख लेता हूं, इनको यानी अलग प्लस करेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखो, ये है तीन, ये है सात, तीन और सात में तीन को, तीन में सात प्लस करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, दस। यानी इन दोनों को प्लस करके भी अलग से हमारे पास जीरो आ रहा है। तो 453 और 647 को मैं अलग से लिख लूंगा, 453 से पहले प्लस का निशान था तो वो प्लस का निशान यहां आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या किया, रीअरेंज किया, यानी दो के साथ आठ को, आठ वाली रकम को लिख लिया ताकि इन दोनों को प्लस करके जीरो आए, तीन के साथ सात वाली रकम को लिखा क्योंकि तीन और सात दस होते हैं, तो इन दोनों को अलग से लिखा, हमने इनको ब्रैकेट्स में रखा ताकि इनको अलग से सोल्व करेंगे। आप इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां पे अलग से ऊपर नीचे लिख के भी प्लस कर सकते हैं। देखिए, दो में आठ प्लस किए दस, हासिल आया एक, छह और एक हो गया सात, सात में तीन प्लस किए दस, हासिल आया एक, नौ में एक प्लस किया दस, दस और पांच पंद्रह, हासिल आया एक, एक और एक दो और एक तीन। ठीक है, तो ये मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, यदि आपको ये ऐसे ना समझ आए तो आप ऊपर नीचे रखकर रकमों को तब भी प्लस कर सकते हैं। प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, देखिए तीन और सात प्लस किया दस, हासिल आया एक, पांच और एक छह, छह में चार प्लस किया दस, हासिल आया एक, चार और एक पांच, पांच में छह प्लस किया ग्यारह। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इन दोनों नंबरों को प्लस करना है, तो जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो,
पांच में एक प्लस किया छ, तीन में एक प्लस किया चार। तो ये इतनी बड़ी जो रकम है इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हमारी जो प्लस या माइनस है वो थोड़ी आसान हो जाती है। यही हमने रीअरेंजमेंट में सीखा है।